वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप जीमेल पे अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, मतलब अपनी ईमेल आईडी कैसे बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं पर ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है और हमारे पास नहीं होती है, या हम उसका पासवर्ड भूल गए होते हैं। तो आप क्या है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है और आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो कई बार ही ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह पर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी जीमेल आईडी कैसे बनाएंगे। अब देखिए, आप क्या करेंगे, आपका पास जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में आपके पास एक गूगल क्रोम एक ब्राउज़र होता है, तो आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं या आपके पास कोई भी ब्राउजर है आप उसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, आप गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको gmail.com टाइप करना है, gmail.com, ठीक है। gmail.com आप जैसे ही टाइप करेंगे और जैसे आपके पास एक्सेसिबिलिटी आएगी, ये गलत हो गया, gmail.com आपको टाइप करना है, gmail.com। तो gmail.com जैसे आप खोलेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको गेट जीमेल करना है। क्या हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आप गूगल क्रोम यूज कर रहे होंगे, गूगल क्रोम में ऑप्शंस नहीं आते। आप देखिए ये आपके पास नॉर्मल इंटरफेस खुल के आता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट से दो ऑप्शन आएंगे, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। आप करेंगे फॉर माई सेल्फ। अब देखिए जैसे ही फॉर माई सेल्फ करेंगे आप, तो आपके पास ये कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अपना नाम टाइप करेंगे, जिस भी नाम से आपको बनाना है। अमित फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं अमित नेगी जी के लिए, अमित नेगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो यूजर नेम का फील्ड है, ये यूजर नेम है एक यूनिक नाम है, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया में आपका जो यूजर आईडी है वो यूनिक होता है, वो किसी दूसरे आदमी का नहीं हो सकता। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली यूज करना है। तो हम जैसे देखिए डालेंगे अमित नेगी, अब आपने अमित नेगी डाला, तो अब जैसे आप पासवर्ड फील्ड में आएंगे, आप यहाँ पर देखिए ये आ रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। अब देखिए ये यूजर नेम किसी ने लिया हुआ है पहले से, तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ और कैरेक्टर्स यूज कर लेते हैं, 13579 मैंने लिख लिया है। अब देखिए इसने ले लिया है, अब पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड भी आपका आप अपने आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड एक बना रहा हूँ, पासवर्ड भी यूनिक होना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा आपके पास कॉम्बिनेशन हो लेटर्स और टेक्स्ट का। अब देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, वही सेम आपको टाइप करना है। अब देखिए यहाँ पर सो पासवर्ड मैंने डाल दिया है, सॉरी यहाँ पर अमित हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये गलत हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं ये ऋषिकेश 13579। अब देखिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बढ़ना है, नेक्स्ट जैसे आप बढ़ेंगे नेवर सेव कर दीजिए। अब आपको फोन नंबर डालना है, आप देखिए फोन नंबर आप वही डालेंगे जो आपके पास अवेलेबल हो। आप अपने फ्रेंड का दे सकते हैं, अपना भी दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, नेक्स्ट किया मैंने, तो जो ये फोन नंबर मैंने डाला है, इस फोन नंबर पे एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड। वो वेरिफिकेशन कोड आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। अब देखिए मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे पास आ गया है ये, मेरे पास कोड आ गया है ये, इससे हो जाएगा आपका जो ये आईडी है ये वेरीफाई हो जाएगी। अब देखिए जहाँ पर आपको रिकवरी ईमेल एड्रेस है ये डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपनी डाल दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ, मैं डाल रहा हूँ 1 फरवरी, और यहाँ पर मैं कुछ ईयर भी डाल रहा हूँ, लेकिन ईयर आपने वो डालना है जो कि कोई बड़े आदमी का हो, जो आपके पेरेंट्स का होगा, मम्मी पापा का हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे का वो नहीं लेता है, क्योंकि 14 ईयर से नीचे के जो लोग होते हैं वो जीमेल आईडी नहीं बना सकते। जेंडर में आपने डाल देना है जो भी आपका जेंडर है, और नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है, यहाँ पर एक सिर्फ आपसे एक्सेप्टेंस मांगेगा, या आपको आई एग्री कर देना है, फिर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है जीमेल की। तो जैसे आप आई एग्री करेंगे, आई एग्री करते ही आपकी आईडी ये बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब आप यूजर नेम आपने वहाँ पर लिखा है तो यूजर नेम आपको नोट कर लेना है, पासवर्ड आपको अपने पास नोट करके रख लेना है, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा जब भी आप अपनी आईडी एक्सेस करना चाह रहे होंगे। तो आप अभी कोई टेस्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी आपको कोई ईमेल आईडी आपसे मांग रहा है, तो ईमेल आईडी आप उसको दे सकते हैं, और पासवर्ड आपको अपने पास सेव करके रखना है। अभी तो थोड़ा बहुत प्रोसेस जो हो रहे हैं, जो आपने एक्सेप्टेंस दिया है वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेक हो रही हैं। तो ये आपकी आईडी ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो चुकी है, बन चुकी है। देखिए यहाँ पर आ चुका है अमित नेगी 13579@gmail.com। अब इस ईमेल आईडी से आप कोई भी कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं। पासवर्ड आपने जैसे मैंने बनाया था ऋषिकेश 13579, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप प्रकार से आप अपनी आईडी कहीं पर भी बना सकते हैं और कोई भी काम उससे एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।